हेलो बच्चों बच्चों कैसे हो बच्चों बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने ऑलरेडी चार लेक्चर एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसमें पहले लेक्चर में मैंने बताया था अबाउट चार्ज, चार्ज क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। फिर मैंने बताया था सेकेंड लेक्चर में बताया था मैंने यानी कि कूलम्स लॉ, दो पॉइंट चार्ज के बीच में कैसे फोर्स निकालते हैं। फिर मैंने बताया था आपको रिलेशन बताया था मैंने कि डायलेक्ट्रिक फोर्स और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसमें रिलेशन। फिर मैंने बताया था रिलेशन बताया था मैंने कि डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फिर लेक्चर नंबर थर्ड में मैंने आपको प्रिंसिपल अपोजिशन, इसका एप्लीकेशन मैंने बताया था। प्लस इसके बेस पे कुछ मैंने आपको लेक्चर नंबर फोर उसमें मैंने बताया था मैंने। आइए अब कुछ प्रिंसिपल ऑफ पोजीशन, इसके बेस पे मैंने ऑलरेडी आपको दो प्रॉब्लम मैंने आपको करवा दिए। एक ट्रायंगल के बेस पे करवाई थी मैंने और एक करवाई थी मैंने स्क्वायर के फॉर्म में करवाई थी। और मैंने बताया था उस टाइम कि स्क्वायर में दो तरह की प्रॉब्लम बन सकती है, जैसे कि मैंने आपको इसमें दिया है प्रॉब्लम में। जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर में यहां 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 किसी पॉइंट पे हमसे फोर्स पूछ सकता है। प्लस दूसरी बात, वो आपको सेंटर पे ही पूछ सकता है कि बताओ सेंटर पे क्या फोर्स होगा। अब वही प्रॉब्लम जो है उससे बस थोड़ी सी मॉडिफाइड है, तो वही कॉन्सेप्ट है यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स है और कुछ भी नया नहीं है, इल्ल नहीं है। हाँ बस है कि अपन को आना चाहिए क्या, कंपोनेंट तोड़ना चाहिए मैट्रिक्स फॉर्म में और एंगल आना चाहिए निकालना कि कैसे दो वेक्टर बीच एंगल क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब अपन को पता होना चाहिए। क्लियर ना? देखिए क्या है, अब यहां पूछा गया है कि ये डायग्राम एग्जाम में बन के आ गया। ये अब एग्जाम में डायग्राम बन के आ गया। अब वो पूछ रहा है कि अब आप मेरे को कूलम्स फोर्स का है या डायलेक्ट्रिक फोर्स का है उसकी वैल्यू बता दो। कहां पर ये क्यू डैश, ये क्यू डैश है जो सेंटर पे प्रेजेंट है किसके, स्क्वायर के। तो यहां मुझे बता दो कि फोर्स की क्या वैल्यू होगी क्या नहीं होगी। क्लियर नहीं है? तो अब देखना यहां पर, अब आपको चाहे वो 2 कूलम बोले, 8 कूलम बोले, चाहे 4 बोले, चाहे 4 बोले, ये सब आपको पता होना चाहिए कि फोर्स हम कैसे निकालते हैं। और मैंने बताया था आपको ऑलरेडी लेक्चर नंबर सेकंड में बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो होती है उसे अभी की तरफ, जो नेगेटिव होता है उसमें होती है पास की तरफ यानी कि टूवर्ड्स। इतना क्लियर नहीं है? इसी प्रकार क्या है, अब यहां जो है नेचर उन्होंने कैसे है, सेम नेचर है यानी लाइक चार्ज है यानी सब पॉजिटिव पॉजिटिव है। क्लियर नहीं है? अब चाहे पॉजिटिव दे नेगेटिव दे चाहे पॉजिटिव दे, बस आपको डायरेक्शन निकालना आना चाहिए आपके लिए। तो आपके लिए दो कॉर्ड की ये प्रॉब्लम है। क्लियर नहीं है? तो आइए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहां देखिएगा बच्चों, यहां पर ये 2 कूलम है और ये 4 कूलम है। हम जो फोर्स निकालेंगे वो फोर्स यहां निकालेंगे, इस वाले पे निकालेंगे, इस क्यू पर। कौन सा है ये क्यू डैश जो स्क्वायर के सेंटर में है। तो पहले देखते हैं कि फोर्स हम कैसे निकालेंगे यहां पर। अब देखना ये जो 2 कूलम चार्ज है इस पे इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा अभी लगेगा। कैसे लगेगा? वो लगेगा इधर लगेगा यहां पर। तो ये मैंने बोल दिया क्या यानी कि F और 2 बोल दिया मैंने। कितना बोल दिया पर ये F2। चलो मैं नाम दे देता हूं उसको, मैं F A बोल दिया है, A और B पॉइंट और ये C पॉइंट और D पॉइंट। चाहे आप नंबर भी बोल सकते हैं 1 2 3 4 जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक नहीं है? तो जो फोर्स है जो A की वजह से फोर्स इस पे फोर्स लग रहा है वो फोर्स है ये। अब इसकी वैल्यू मान लेते कितनी है, 2 कूलम है तो मान लेते कितना है ये यानी कि 2F हम मान लेते हैं फोर्स। इतना क्लियर नहीं है? अब ये जो फोर्स है ये वाला चार्ज यानी 4 कूलम इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा वो लगेगा अभी लगेगा। वो इसलिए लगेगा क्योंकि ये कैसा है, पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इसलिए इस पर लगेगा अवे यानी कि दूर की तरफ। तो यहां मैंने बोल दिया क्या है एफ सी और इनकी वैल्यू कितनी मानते हैं 4F। हम ये वैल्यू मान ले रहे हैं क्योंकि कितना है ये
काम है और कितना टुकुल है इसको सॉल्व करने का तरीका ये। इसी प्रकार आप देखोगे इस डी की वजह से फोर्स देखोगे क्या लगेगा, इस पे लगेगा अवे और इस पे दूर की तब लगेगा दूर। तो यहां मैंने क्या d मान लिया पॉइंट, तो इसकी वैल्यू कितनी है ये एफ डी, फोर कूलम है तो मैंने लिख दिया क्या फोर एफ लिख दिया मैंने, क्लियर नहीं है। क्योंकि अगर ये नेगेटिव चार्ज होता माइनस फोर कूलम जो है ये नेगेटिव होता तो इसकी वैल्यू इधर नहीं होती, वो इसकी वैल्यू इधर होती डायरेक्शन, समझेगा नहीं है। इसी प्रकार अगर ये वाला नेगेटिव होता तो इसकी डायरेक्शन इधर नहीं होती, इसकी डायरेक्शन इधर ही होती, समझेगा नहीं है। पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो करते हैं रिपेल करते हैं मतलब अवे दूर की तरफ, नेगेटिव होता है चार्ज तो टूवर्ड्स यानी पास की तरफ, समझेगा नहीं है, यानी अट्रैक्शन। अट्रैक्शन कब लगेगा मतलब जब पास पास आएंगे, रिपेल कब लगेगा जब एक दूसरे पर लात पड़ेगी, उधर हटो उधर हटो, क्लियर नहीं है, बस यही दिख रही है। अब ये कितना है बी वाले पर जो फोर्स लगेगा क्यू डैश की वजह से यहां लगेगा अवे लगेगा, 8 कूलम है तो मैंने लिख दिया यहां पर कितना है ये एफ और बी कितना है ये, ये है 8 F मैंने मान लिया गया, क्लियर नहीं है। तो इसको देखिएगा यहां होता काफी घिच पिच हो गया है तो इसको अच्छे से बनाते हैं, यहां देखते हैं इनको लिखा मैंने Q डैश, यहां देखिएगा फोर्स, एक फोर्स ऐसा लग रहा है F A और इनकी वैल्यू कितनी है ये 2 F, तो कितना है ये 2 कूलम चार्ज मैंने मान लिया। इसी प्रकार यहां जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना है ये C की वजह से फोर्स लगेगा 4 F लगेगा फोर्स, इतना क्लियर। तो मैंने ये डायरेक्शन ये दिखा दी मैंने। अब एक फोर्स इधर लग रहा है ये कितना है ये, ये है D की वजह से है, D की वजह से कितना फोर्स है ये, ये है 4 कूलम तो मैंने मान लिया 4 F, क्लियर ना। अब ये कितना है ये 8 कूलम की वजह से अवे लग रहा है तो ये दूर की तरफ, इसको मैंने दिखा दिया यानी कि अवे, इसको मैंने दिखा दिया कितना फोर्स है ये है यानी कि 8 F। आप देखोगे और पाओगे वैल्यू कुछ ये कि कुछ एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, ये कितना है 4 F, ये कितना है 2 F, तो इसकी जो वैल्यू है 2 F इसको कैंसिल कर देगी तो इधर बचेगा 2 F बचेगा। यहां देखिएगा ये जो 4 F है इसको कैंसिल कर देगा तो इधर अभी कितना बचेगा 4 F इधर बचेगा अभी बाकी, तो इसको देखना इसके बाद यहां देखना कैसे बचेगा। यहां पर Q डैश मैंने ये मान लेते Q डैश, आप देखिए यहां पर इसके पास ये जो फोर्स बचा, अब ये फोर्स कितना है ये F डैश कितना है ये, इस 2 से और 4 जब माइनस होगा तो इधर जो नेट कितना आएगा वो आएगा 2 F आएगा। इसी प्रकार ये 4 F है ये कितना है 8 F है तो इधर जो आएगा वो आएगा यानी कि F डैश F डैश कितना आएगा ये आएगा 4 F आएगा, समझ गए ना ये। तो आप देखिएगा यहां देखिएगा बच्चों यहां पर देखिएगा इसने क्या किया, इसने क्या किया इसको कैंसिल किया यानी कि 4 F है ये 8 F है तो इसको केवल ये 4 F ही कैंसिल करेगा तो यहां अभी बकाया बचेगा 4 F बचेगा, तुम्हारे यहां लिख दिया ये 4 F है ये 2 F है ये दोनों अपोजिट हैं तो ये कितना है 2 F इसमें से कम होगा तो कितना बचेगा अभी इधर बचेगा 2 F ये बचेगा, समझ गया नहीं है। तो अब यहां क्या लगेगा, अब यहां दो एक वेक्टर ए मान लो इसको और एक वेक्टर इसको बी मान लो तो दोनों के बीच एंगल क्या आ रहा, तो अभी देखते हैं एंगल क्या आ रहा है। ये हमारा क्या है ये स्क्वायर है, ये क्या हमारा ये है स्क्वायर है, देखिएगा बहुत ही इंटरेस्ट है ये। अब आपके ये एग्जाम नीट का ही किसी एग्जाम में आउट प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है ये। अब देखिएगा यहां पर अगर मैं इसको यहां से देखते हैं यहां पर ये तुम तो हो स्क्वायर में हो तो मतलब तुम्हारे पास ये वाली लेंथ
ये लेंथ बराबर होगी, ये लेंथ यानी सबकी लेंथ क्या होगी यानी कि बराबर होगी, इसकी लेंथ भी a, इसकी भी a और इसकी भी a। बेटा आपको कुछ आवाज आती हुई ना साइड से, नहीं है एक्चुअली कहना है यहाँ होटल में क्या है पार्टी चल रही है, इसलिए धूमधाम से यानी कि म्यूजिक चल रहा है, मन लग रहा है कि लग से छोड़ के कुछ नया कर लिया जाए, झूम लिया जाए मस्ती, लेकिन क्या है टाइम इजाजत नहीं देता है, इसलिए जल्दी से रिकॉर्डिंग करते हैं इसको, ये लेक्चर आपके लिए दिखते क्या है। देखिएगा यहाँ पर अब ये देखो ये वाला कंपोनेंट और ये इनके बीच कितना है, ये 90 एंगल है, तो इसलिए मैं जो एंगल है वो एंगल में दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, ये कितना होगा, ये होगा 45 डिग्री होगा, तो ये भी कितना होगा 45 होगा, ये कितना है ये अकेला है 90 डिग्री, 90 है तो ये 45, ये 45, तो अब ये कितना होगा देखना, इसको यहां से तोड़ोगे तो ये कितना होगा 45, ये है 45, ये है तो कितना होगा ये हो जाएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा, समझ गया नहीं है, तो एक लाइन हर समय कैंसिल कर दे रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, इतना क्लियर नहीं है तो कि मैं यहां दिखा दे रहा हूं आपको, देखिए ना ये 45 ये होगा, बड़ा आवाज कुछ ज्यादा बढ़ रही नहीं है तो ये जोश में आ गया नहीं है, लग रही है हार्मोन बॉडी में इंजेक्ट करता है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन को धड़ उसी के जोश से लाइट को धड़, समझ गए ना ये बॉडी बिल्कुल टॉप पे जाए। आप देखिएगा ये 90 है ये वाला वेक्टर, ये तो 45 ये होगा और 45 ये होगा, तो इसी प्रकार 45 ये होगा 45 ये होगा, तो मैंने इधर लगा दिया तो इसके इसके और इसके बीच में कितना एंगल होगा 90 एंगल होगा, क्लियर है ये, तो अब यहां इनके बीच में कितना एंगल होगा वो होगा सॉरी ये कितना 90 एंगल यहां पर होगा, कितना होगा ये 90 डिग्री, ये दिखा दिया मैंने, समझ गए ना ये, हां 90 डिग्री ये है, आप जहां स्क्वायर बना है तो इसका बना सकते हैं, ये देखिए ये पूरा बन जाएगा स्क्वायर, देखिए यहां पर ये स्क्वायर है यहां पर, ये देखिए 4f है ये है और 2f नीचे है, ये 4f है ये ऊपर है और 8f है ये नीचे आ गए, तो अब इनके बीच जो एंगल कितना आएगा पता है ये एंगल कितना आएगा बेटा, ये एंगल आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, अब दो वेक्टर को ऐड करना विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम ये आता होगा कोई नई बात नहीं। आगे देखिएगा अब यहां हम चीजों का करते हैं पर ये ऐड करते हैं पर यहां पर देखिए कैसे ऐड करो वही वेक्टर का लगना है रूल यहां पर देखिए वेक्टर का लगना क्या है या रूल लगना है ये देखिएगा यहां पर क्या है मैं यहां लिखता हूं दो वेक्टर को एक वेक्टर मेरे पास यहां पर ये आ गया यानी कि पहले पॉइंट मान लिया यहां पर ये है ये कितना है ये कितना आता है देखते हैं इसको कितना आता है 2f आता है ये 2f ये है और ये कितना है ये 4f ये है कितना है ये 4f है ये समझ गए ना ये हाँ 2 से अब 4 से कैंसिल होगा तो यहाँ कितना आएगा 2f आएगा और 4 उधर है 8 इधर है तो इधर कितना आएगा ये 4 आएगा नीचे लिख दिया तो अब इनके बीच जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट मेरा ये आएगा नेट समझ गए ना ये और इनके बीच एंगल कितना रहेगा बेटा वो एंगल रहेगा 90 डिग्री एंगल रहेगा ये यानी इनके बीच का एंगल और आप जानते हैं रूल क्या है मैग्नीट्यूड का निकालते हैं हम लोग यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ये निकालते हैं जब दो वेक्टर का होता है रिजल्टेंट समझ गए ना ये हाँ तो अब इसको चाहे f1 मान लो इसको चाहे f2 मान लो चाहे इसको मान लो ये चाहे इसको भी मान लो वैल्यू पुट करना है आंसर आना है इसको क्या मान लेते हैं हम तो इसको मान लेते हैं f1 मान लेते हैं और इनको मान लेते हैं हम लोग यानी कि f2 मान लेते हैं समझ गए ना ये हाँ इस तरह से सॉल्व करना है पर देखिए देखिए यहां पर ये तो अब क्या निकलेगा यहां पर क्या है f net f1 कितना है 2f का स्क्वायर ये कितना है ये 4f का स्क्वायर प्लस 2
f, इसकी वैल्यू कर लेते हैं यहाँ पर कितना है ये, टू f है, अच्छा टू f यहाँ से कैंसिल कर दो, यहाँ से f into कितना है ये 4f cos, कितना है ये 90 डिग्री है। a के लिए वैल्यू मैंने ये रख दी, b के लिए मैंने वैल्यू ये रख दी यहां पर ये, और 2a ये है और b ये है, cos कितना 90 है, और यहां भी कर दो यहां पर ये स्क्वायर कर दो, समझ गए ना ये। तो अब इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 4f स्क्वायर आ जाएगा इसका, इसका कितना आएगा ये 16 f स्क्वायर का आ जाएगा, प्लस ये तो पूरा जीरो हो जाएगा ये, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है जीरो, समझ गए ना ये, इसकी जीरो होती है यहां से, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहां पर, ये आ जाएगा यहां पर 20 f स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा f बाहर निकल के आएगा 20 रूट ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ये फोर्स आ जाएगा, ये कितना आ गया ये F2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहां पर ये, यानी कि F नेट कितना आ गया, F नेट आ गया यानी कि F 20 ये वैल्यू आ गई, तो ये क्या है मेरा, ये आंसर है ये, यानी कि 4.F पर F भी मान सकते हैं, 20 का कितना हुआ रूट 4.5 के आसपास होगा, ठीक है ना ये, तो ये भी आंसर इस फॉर्म में दे सकता है और उस पर इस पर मुझे आंसर, समझ गया ना ये, बस क्या है कुछ नहीं है, बस बेसिक क्या है मैथमेटिक्स है, और आपको ये वेक्टर का आना चाहिए और ये एंगल निकालना चाहिए, एंगल कैसे निकाला ये जब तक आपको पता नहीं होगा बेसिक चीजें वगैरह तो एंगल आप नहीं निकाल पाओगे, कोई हमको पता है स्क्वायर होती है, स्क्वायर में जो लेंथ होती है वो लेंथ क्या होती है, यानी सब सेम लेंथ होती है, तो इसलिए अगर ये 45 होगा तो 45 ये भी होगा, तो ये भी कितना होगा ये यहां तक 90 होगा, क्लियर ना ये, भाई एंटी पैरल वाला रूल वेक्टर का, तो अब यहां से मैंने यहां पर निकाला ये, इसकी वजह से रिपेल किया 2f आ गया, इसकी वजह से रिपेल किया 4f आ गया, इसकी वजह से 8 है अबे लगेगा और 4f है अबे लगेगा, तो 4f आ गया, इनका मैंने फिर लिख दिया यहां पर चीज हो गई अच्छे से, अब इसमें से क्या है ये अपोजिट है, तो ये इसमें से माइनस होगा इतना कितना आ गया ये 2f आएगा, इसमें से माइनस होगा कितना 8f है, तो माइनस करोगे कितना बचेगा ये पूरा बचेगा ये, फिर एंगल दिखा दी मैंने कितना है ये 90 एंगल है, क्लियर नहीं है, फिर मैंने ये लिख दिया गया पर ये यहां निकाला सकाया एंगल यहां सीख सकते हैं, फिर मैंने फिर दिखा दिया इसको कैसे आया 90 एंगल, तो इसको किसी को मान लो ए मान लो, किसी को बी मान लो, यानी f1 मान लो f2 मान लो, और इस रूल में आप रख सकते हैं पर ये a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, a की जगह क्या मान लिया मैंने f1 मान लिया, b की जगह f2 मान लिया, और वैल्यू रख दी यहां पर एंगल कितना है पुट करोगे यहां पर तो ये वैल्यू यहां पर ये आएगी, इसकी जगह कितना है 2f, इसकी जगह कितना है 4f, 2ab cos 90, तो ये पूरी वैल्यू क्या बच्चों ये पूरी जीरो हो जाएगी, क्लियर ना, तो यहां कितना बचेगा 2 का 4 आएगा ये, और f स्क्वायर हो जाएगा, 4 का कितना आ गई है 16 आएगा, और f का स्क्वायर हो जाएगा, तो 16 में और 4 ऐड करोगे कितना आ गई है 20 आएगा, और f स्क्वायर ये, और f स्क्वायर का बाहर निकलेगा रूट से तो यहां पर f होगा और 20 का रूट ये आ गया, क्लियर ना, और लिख सकते हैं इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इस तरह आपके एग्जाम में क्वेश्चन से बन सकते हैं, ये है तभी मैंने कहा कि मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रो है, मैग्नेट है, बेसिक मैथमेटिक्स आपकी जितनी स्ट्रांग होगी, मैं दावे के साथ कहता हूं फिजिक्स आपकी उतनी आसान होगी, क्योंकि जब तक तो ये चीज आपको नहीं सीख पाओगे निकालना वगैरह रिजॉल्व करना एंगल वगैरह, तो आप कहीं ना कहीं आपको ये दिक्कत बनी रहेगी, और आप जानते हैं लगभग 70% एग्जाम में इलेक्ट्रो है, मैकेनिक्स है, और मैकेनिक्स कर सकते हैं और मैग्नेट कर सकते हैं, ये लगभग देखिए 70% एग्जाम को कवर करती है इतनी फिजिक्स केवल, तो आइए अब हम लोग करते हैं, इतना मैंने प्रिंसिपल ऑफ पोजीशन के बेस पे अब तक मैंने आपको 3 मैंने न्यूमेरिकल अपनी तरफ से मैंने करा दिए, आगे कल कराएंगे मैंने 2 प्रॉब्लम और 1 प्रॉब्लम मैंने आपको ये करा दी मैंने, अब मैं आपको
एक केस पढ़ते हैं आगे इक्विलिब्रियम वाले सिस्टम पे। जैसे कि मानते हैं कि कोई कार है और कार कोई चल रही है, या कोई कहीं से सीलिंग से लटका दिया गया कोई चार्ज है यहां से, इसको मानते हैं कि एक चार्ज मैंने लटका दिया है, इतना क्लियर नहीं है, इस चार्ज को लटका दिया गया है। अब यहां से इसको अगर हिलाने की कोशिश करोगे या मानते हैं एक्सलेट किया गाड़ी को, तो होगा क्या, ये कुछ पल के लिए पीछे जाएगा नहीं, या हो सकता है डी एक्सलेट किया या रिटार्ड किया मोशन, तो क्या होगा फिर आगे जाएगा, तो होगा ये इसमें, तो ये फिर ऐसे मोशन करना शुरू कर देगा, ये पेंडुलम टाइप का, समझ गया नहीं, जिसको बोलेंगे कि SHM करना शुरू कर देगा, क्लियर नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे चार्ज की ऐसे है तो चार्ज ऐसे कर जाएगा, तो चार्ज को एक पॉइंट यहां मान लेंगे, एक पॉइंट यहां मान के इसकी पढ़ाई कर लेंगे, चाहे आप पढ़ाई यहां कर ले चाहे यहां कर ले पढ़ाई, क्योंकि फिजिक्स है साइंस है आप कहीं से पढ़े कॉन्सेप्ट सेम ही है, क्लियर नहीं है। तो आइए अब पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम वाला सिस्टम, किसी चार्ज को कैसे हम इक्विलिब्रियम में सस्टेंड कर दें, यानी सीलिंग से कहीं से इसको या कोई स्ट्रिंग से लटका दें, क्लियर नहीं है। और यहां से आपके एग्जाम में लगभग मुझे लगता नहीं है कि दो साल मुश्किल से गैप जाता हो, नहीं पढ़ना हर साल यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज बहुत यूज करवाता है यहां पर एग्जामिनर, आपको अभी आगे पढ़ोगे सरफेस चार्ज डेंसिटी वहां से भी इसका यूज करवाएगा, ठीक नहीं है, लेकिन वो बात की बात है, बाद में सीखेंगे हम लोग इसको, लेकिन पहले आइए सीखते हैं अब नया कॉन्सेप्ट क्या है, इसको इक्विलिब्रियम वाला सिस्टम क्या है। इक्विलिब्रियम में का मतलब होता है यानी कि कोई भी बाहरी सोर्स यानी कि एक्सटर्नल सोर्स जो फोर्स का होता है वो होता है जीरो, यानी कि किसी बॉडी पे बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जा रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं सिंपल लफ्जों में कि किसी बॉडी को एक्सलरेट नहीं किया जा रहा, मतलब एक्सटर्नल एक्सलेशन क्या है जीरो है। जैसे यहां देखिएगा हर चीज सीखते जाइए, यहां पर देखना ये मैंने मान लिया क्या एफ है आर इक्वल टू एम ए है, बच्चा पैदा होता है तो उसको भी पता होता है एफ इक्वल टू क्या है एम ए होता है, फर्क इस बात का है कि उसको इसका एप्लीकेशन पता है या नहीं है, क्लियर नहीं है। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल और ये जो होता है एक्सटर्नल, क्योंकि इंटरनल जो फोर्स होते हैं पूरे सिस्टम में बात करें तो वो आपस में क्या करते हैं एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं इंटरनल फोर्स, लेकिन वही सिस्टम में किसी एक बॉडी को पर्टिकुलर पढ़े तो इंटरनल फोर्स हमें वहां मिल जाएगा, लेकिन पूरे सिस्टम को मान के पढ़ाई करेंगे तो इंटरनल फोर्स क्या होगा यानी कि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जो मैकेनिक्स में आप लोगों ने अच्छे से सीखा होगा, हम पर ये कोई स्ट्रिंग लटका दिया कोई पेंडुलम लटका दिया या दो ब्लॉक है ये तीन ब्लॉक हैं एक के ऊपर एक रख दिया या ऐसे करके, तो वहां आपने सीखा होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, ये वो हम लोग सीखेंगे ऑलरेडी इसको। ये तो ये क्या है मेरे पास, ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये क्या है एक्सटर्नल का एक्सीलरेशन है, और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू ये भी हो सकती है जी के बराबर, या हो सकता है ये बाहर से दे सकते हैं, यह हो सकता है यानी कि 2 मीटर पर सेकंड से गाड़ी को एक्सीलरेट कर दिया गया यानी फास्ट कर दिया गया, तो ये क्या है, ये सब बाहरी सोर्स होते हैं कि जब अगर हम इसी को जीरो कर दें या तो ये जीरो नहीं होगा क्या, या इसको जीरो कर दें तो ये जीरो जाएगा, मतलब ये चीज क्या है, ये एक ही चीज वगैरह, समझ गया ना, ये तो इसी की बेस पे बोलते हैं कि जहां इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि एक्सटर्नल फोर्स क्या है या एक्सटर्नल एक्सीलरेशन क्या है, ये क्या होता है जीरो होता है, यानी कि इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन, समझ गया ना ये। तो इसी पे मुझे समझाना है अपने इस कॉन्सेप्ट को, तो आइए सीखते हैं उसको, ठीक है ना, ये इतना नोट कीजिएगा इसको, ये और ये चीज अलग चीज है बस इतना आंसर, ठीक है ना, ये और इस तरह आपको सवाल दे देगा, एक बार फिर आपको रिज्यूम कराता हूं मैं, ये हर चीज से रूबरू रहिएगा कि भरोसा नहीं है आपकी एग्जाम में कहां से क्वेश्चन फ्रेम करते मुझे खुद नहीं पता है, बस मैं आपको हिंट्स दे सकता हूं। जैसे मानते हैं ये चार्ज पॉजिटिव है, अगर कोई नेगेटिव चार्ज देता ये पॉजिटिव देता तो आप देखना नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज की तरफ हम डायरेक्शन लेते, समझ गए ना, ये पॉजिटिव से आगे लेते हैं, तो इसका मतलब समझाने मतलब ये है, क्लियर ना ये। हाँ, अगर यहाँ पर 2 कूलम है और 2 कूलम यहाँ रखता, 2 कूलम यहाँ रखता, 2 कूलम यहाँ रखता, अब यहाँ फोर्स पूछता तो फोर्स यहाँ जीरो होता। जैसे मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर देखना क्या, जैसे मैंने मान लिया ये है, मानते हैं 4 कूलम यहाँ दे दिया गया
यहां दे दिया उसने कितना है ये 4 कूलम, और यहां दे दिया उसने कितना मानते हैं पर ये यानी कि 3 कूलम दे दिया गया और 3 कूलम ये दे दिया गया। अब पूछ लिया फाइंड द फोर्स q डैश क्या है या बोल सकता है यहां पर यानी सेंटर में बताओ कितना फोर्स होगा, तो देखना है ये इसको कैंसिल कर देगा, इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कर देगा कैंसिल, इसको कैंसिल ये कर देगा, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा ये नेट फोर्स जीरो आ जाएगा। फोर्स जीरो आ गया तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपको समझ गए ना ये। हाँ बस आपका कॉन्सेप्ट होगा क्लियर तो आप चीज गलती नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट नहीं पता है रट लोगे तो कहीं ना कहीं आप फिर आगे कंफ्यूज रहोगे कि ये है ये कहां से हो गया, फिर तो आपको वही याद आएगा कि हाय सुना सुना लग रहा है, समझ गए ना ये। हाँ क्योंकि बस कोई टीचर आपको एक लाइन दे सकता है गाइड, बाकी तो आपको कुछ सीखना खुद ही है, ठीक है ना ये। हाँ बस मैंने आपको हिंट कर दिया गया यहाँ पर, ठीक है ना ये। हाँ आइए अब हम पढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना ये। हाँ देखिए यहाँ पर क्या है, अगला सिस्टम क्या है यहाँ पर, देखना क्या है अगला सिस्टम क्या है, ये हेडिंग क्या है मेरी यहाँ पर, हेडिंग है ये, ठीक है ना ये अगली हेडिंग है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सिस्टम, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सिस्टम, इतना क्लियर बनाइए। हाँ और जो मैंने न्यूमेरिकल कराया है ये बोर्ड के लिए मत करना, अगर आप जेई के बच्चे हैं तो उसको नीट के तो कर सकते हैं, ठीक है ना, बोर्ड में तो नहीं पूछेगा टफ, ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सिस्टम क्या, ये आपके एग्जाम में यहां से बहुत क्वेश्चंस आएंगे यहां पर, ये आइए देखते हैं यहां पर इक्विलिब्रियम चार्ज सिस्टम। इक्विलिब्रियम आ गया तो हम समझ गए कि इसका मतलब होता है कि एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, मतलब बॉडी पे ना तो बाहर से कोई फोर्स लगाया जा रहा है ना तो एक्सलेट, मतलब एक ही होता है, समझ गए ना ये। मतलब बॉडी क्या है यानी कि कोई बाहर से कोई भी इसको धक्का मुक्की नहीं कर रहा है, समझ गए ना ये, इसका मतलब ये होता है। इसमें केस क्या है मेरा, पहला केस हम लिखना, ये पहला केस क्या है, लेकिन पहला केस क्या है, ये इक्विलिब्रियम ऑफ, बड़ा गाना मिला है सपनों में मिलती है, पता नहीं शादी में कैसा रंग चढ़ गया लोगों को, नहीं है हाँ सपने में बड़ा मिलता है, पता नहीं कब मिलेगा लोगों को, नहीं इक्विलिब्रियम ऑफ, पढ़ लो बड़े टाइम आएगा आपका मेरा, है ना, इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्ज, सुनिएगा इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्ज सिस्टम, इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्ज सिस्टम का देखना पड़ गया, इसमें भी दो केस हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्ज सिस्टम है, कैसे कैसे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं, पर देखना चाहिए क्या है यहां पर थ्री चार्ज सिस्टम, पहला केस का यहां पर अच्छे से चीजों को सीखिए, हम पहला केस यहां पर है जो ए वाला केस यहां पर है ए, और इसको बोलते हैं बी, लिखना कि इफ इफ क्यू वन क्यू टू इनकी जो वैल्यू है वो है ग्रेटर देन जीरो, और यहां जो बी वाला केस है यहां वैल्यू है इफ क्यू वन क्यू टू लेस देन जीरो, समझिएगा इन भाईजान को बंद कर दो, इन दीदी को यहां से बंद कर दो, आइएगा सुनिएगा यहां पर क्या लिखना, यहां पर लिखना इसके अंडर लिखना क्या, लिखना द नेचर ऑफ चार्ज चलो ऐसे लिख दो, बहुत चार्ज अलग अलग मान लो, ऐसे नेचर ऑफ बोथ चार्ज, बोथ चार्ज मतलब Q1 और Q2, बोथ चार्ज Q1 एंड Q2 आर सिमिलर का मतलब होता है या तो पॉजिटिव होंगे या होंगे नेगेटिव, ठीक है ना ये। हाँ सिमिलर इन नेचर, लेकिन
आइदर पॉजिटिव होंगे या भैया होंगे नेगेटिव होंगे, समझ गए ना, ये या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, इसका मतलब ये होता है, समझ गए ना ये। और आपके पेपर में भी कई बार इस फॉर्म में बनके आ गया है, ठीक है ये। द नेचर ऑफ बोथ चार्ज Q1 एंड Q2 आर सिमिलर नेचर, मतलब या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। यहां देखना इसका मतलब क्या है, देखना द नेचर ऑफ बोथ चार्ज चलो दिख रहा उसको नहीं, हाँ दिख रहा, बोथ चार्ज Q1 एंड Q2 आर अपोजिट का मतलब होता है बेटा कि एक क्या है पॉजिटिव है और एक क्या है नेगेटिव है, समझ गए ना ये। हाँ, एक कोई पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, अगर Q2 नेगेटिव है तो Q1 पॉजिटिव होगा, Q1 अगर नेगेटिव है Q2 पॉजिटिव होगा। इसका मतलब कहीं आपको न्यूमेरिकल में इस तरह मिल जाए लिखी चीजें तो समझ जाना कि नेचर इनका उल्टा होगा। ये इसका मतलब कहीं लिखा मिल जाए आपको न्यूमेरिकल में तो कैसा नेचर होगा, सेम नेचर होगा। ये तो है इसकी चीजों को पहचानने का तरीका है ये। अब हम सीखना है कि इस पे कैसे कैसे एप्लीकेशन करके कैसे न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं। आप देखोगे सेम कॉन्सेप्ट किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे लगेगा, ये सेम कॉन्सेप्ट लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स पे लगेगा। आओ तो सीखने की कोशिश करते हैं कैसे इसके बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन देता है। जिस तरह प्रिंसिपल और सुपर पोजिशन पे मैंने कराया था केस, उसी प्रकार यहाँ भी इसके केस हम लोग सीखते हैं, ठीक है ना ये। तो पहले हम लोग ये यहाँ पर ये वाला केस सीखते हैं, फिर ये केस सीखते हैं, ठीक है ना ये। हाँ देखना पड़ेगी, इतना नोट करो फिर चीजों को हम लोग आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर ना ये। हाँ इतना नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये 3-4 सिस्टम यहाँ पर है। सर आपने तो यहाँ 2 चार्ज लिखे हैं Q1 Q2 और सर आप यहाँ बोल रहे हैं 3-4 सिस्टम। बेटा 3 चार्ज है उसको रख के देखेंगे कहां पर नेट फोर्स जीरो हो रहा है, कहां पर नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा है, समझेगा ना ये। 3 चार्ज सिस्टम है, Q1 Q2 रखेंगे और बीच में Q3 जो होगा रख के देखेंगे कि यहाँ जीरो हो रहा है नेट फोर्स कि नेट फोर्स यहाँ जीरो नहीं हो रहा है, क्या यहाँ जीरो हो रहा है। इसी तरह के न्यूमेरिकल हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना ये। हाँ बस नोट कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ये। देखिए यहां पर देखिए ना, केस लेते हैं, पहला केस क्या है पर बेटा, ये है ए वाला। हाँ ए केस क्या है पर लिखना, इफ Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ये। हाँ द नेचर ऑफ बोथ चार्ज विल बी सिमिलर, द नेचर ऑफ बोथ चार्ज विल बी सिमिलर, आइदर पॉजिटिव होगा या तो होगा नेगेटिव होगा, समझ गए ना ये। हाँ लेकिन आप फॉर द इक्विलिब्रियम थर्ड चार्ज जहां आप बेटा इसको ऐसे भी लिख लेना, ठीक है ये। थर्ड चार्ज Q3 only it should be kept on line joining। दूर बेटा अपने कितना गाना बजा रहा है ये, बिल्कुल बेटा ये पीक लेवल पे है मैरिज हॉल में बेटा ये, ठीक है ना ये। आवाज आ रही है अपने ना, पार लगेंगे सही है, पता नहीं सही है हाँ क्या और बोल देना। हाँ
it should be kept on line joining. Line joining to charge anywhere. ये बेटा ये रूल है चीजों को, ये रूल पता होगा तभी कर पाओगे ये रूल, ठीक नहीं है वरना रटते रह जाओगे। कहां थर्ड फोर्स रखें कि इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो होगा, कहां थर्ड फोर्स रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी या नहीं होगी, ठीक नहीं है। जब ये रूल पता होगा तो बिल्कुल फिंगर टेस्ट हो गया कि फिजिक्स आप, ठीक नहीं है। हां टू चार्ज एनीवेयर इन, यहां पर आने का बेटा इधर से In between. बड़ा मन लग रहा है, बड़ा झूम लिया, ठुमका लगा दे बेटा ये बरेली वाला, पता नहीं बेटा कितना जोश चढ़ा है, शादी है पता नहीं क्या है यहाँ पर। ये इतने किलोमीटर में था लेकिन आइए Therefore the net force on each charge will be zero. समझ गए ना, ये है इसका concept है इसका। ये करें जब इस तरह लिख के आएगा पेपर में ये, तो नेचर ऑफ बोथ चार्ज कैसा होगा, सिमिलर होगा, यानी कि सेम होगा इसका, ठीक नहीं है। हाँ कैसा होगा, सिमिलर होगा, बोथ पॉजिटिव होगा या तो दोनों नेगेटिव होंगे। फिर कह रहे हैं यहां पर ये पर इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसका मतलब मैंने बताया था एक्सटर्नल फोर्स क्या है या एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, मतलब बॉडी पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा। थर्ड चार्ज यानी कि Q3 इट शुड प्लेस केप्ड ऑन लाइन जॉइनिंग मतलब होती है जैसे दो चार्ज हैं, एक चार्ज यहां रखा बेटा एक यहां रखा, जो बिल्कुल आमने सामने मतलब इसी लाइन पर रखेंगे, ये नहीं कि एक चार्ज यहां रखा है यहां रखा तो आप चार्ज को यहां रख दो Q3 क्या यहां रख दें, नॉट पॉसिबल। आप इसकी लाइन में कहीं रखोगे, चाहे यहां रखें यहां यहां कहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। ये इसकी होते हैं लाइन जॉइनिंग, बनाऊंगा तब सिखाऊंगा आपको। टू चार्ज एनीवेयर कहीं रख सकते हैं लेकिन उनके बीच में रखोगे, कहां रखोगे, बिटवीन टू चार्ज, ताकि हाँ अच्छा यहां भूल गया लिखना ये हाँ देयर फोर, हाँ ये लिखना डाय देयर फोर, यानी कि इस प्रकार द नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज क्या होना चाहिए, बिल भी जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो आइए मैं आपको सिखाता हूं कैसे यहां पर हम लोग करेंगे इसको, ठीक नहीं है। ये रूल है लिखा दिया मैंने, रूल पता है आपको तो छोड़ सकते हैं, रूल नहीं पता है तो बिना रूल के आगे काम चलने वाला आपका ये। और अधिकतर मैंने देखा है बच्चे रूल को छोड़ देते हैं, उनको लगेगी फार्मूला बन जाए फिजिक्स में आप उससे अपना काम चल जाए, बट नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइंस है, जब तक सीखोगे नहीं चीजों को आगे नहीं बढ़ पाओगे चीजों को, ठीक नहीं है। बेसिक चीज बहुत जरूरी है आपको, ये देखना क्या है पर ये। मान लेते हैं पर क्या मैंने बना दिया गया है, ये Q1 है, इसको मैंने बोल दिया क्या है ये पॉजिटिव है, जब आंटी की वाली पता नहीं समझ गया नहीं। सर आपने ये दोनों चार्ज पॉजिटिव ही क्यों लिए हैं, बेटा मैंने रूल बना लिया है कि Q1 और Q2 का ग्रेटर देन जीरो, इसलिए मैंने बताया था या तो दोनों पॉजिटिव लोगे या दोनों नेगेटिव लोगे, ठीक है ना ये। हाँ और जो थर्ड चार्ज लिख दिया मैंने क्या Q3, उसको मैंने रख दिया यहाँ पर, ये रख लेते हैं थर्ड चार्ज को हम लोग यहाँ ले लेते हैं। थर्ड चार्ज मैंने क्या मान लिया, यहाँ मैंने मान लिया यानी कि Q3 मान लिया गया, समझ गया ना ये। हाँ अब थर्ड चार्ज वहां रखोगे कि जहां पर नेट फोर्स जीरो होगा, कैसे जीरो होगा अभी हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना ये। हाँ मान लेते हैं कि जो थर्ड चार्ज रखा है वो यहां से यानी कि x डिस्टेंस है, क्या है
f डिस्टेंस है। आप यहां से भी मान सकते हैं कि इस वाले चार्ट से कहां जो मेरे पास q3 रखा गया है वो x दूरी पर रखा हो। आप यहां से माने आंसर में या कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है ना ये। हाँ, अब जो दो चार्ज रखे हैं उन चार्ज के बीच की दूरी कितनी है, वो दूरी है r। दो चार्ज हैं और दो चार्ज के बीच की दूरी कितनी है q1 और q2, वो r है। हमने q3 यहां रख दिया गया है कि जब हमारा नेट फोर्स हो जाए वो जीरो हो जाए, तो हमने देखा कि नेट फोर्स जीरो वहां हुआ है q1 चार्ज से x दूरी पर जीरो हो गया है। आइए प्रूफ करते हैं कि जीरो कैसे असर यहां पर, आइए देखिएगा, प्रूफ देखिएगा, चलो इससे बनाते हैं, ठीक नहीं देखते हैं। हम निकालते हैं यानी कि इस पर फोर्स निकालते हैं, देखना क्या, देखना क्या, यानी कि q3 पे फोर्स, q3 पे फोर्स देखिएगा, q3 पे फोर्स q1 की वजह से कैसे लगेगा, अबे लगेगा, क्यों, पॉजिटिव है ये, अगर ये नेगेटिव होता तो 2 बढ़ सकता, लेकिन है कैसे, पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा, अबे लगेगा, तो मैंने आपको ये लिख दिया, समझ गया ना। अब देखिएगा इन भाई साहब की वजह से, देखो ये कह रहा यार थोड़ा बहुत फोर्स हम भी लगा लो ना, खा पी के इतनी जिम बनाइए डनाइए, तो कह रहा है फोर्स लगाओ, तुमने कहा आओ तुमको ही देखते हैं, तो इनकी वजह से q3 पे फोर्स q2 की वजह से, ये मैंने दिखा के लिए, q3 पे फोर्स f1 की वजह से q1 की वजह से इधर, q3 पे फोर्स q2 की वजह से ये लग गया इधर, तो आप देखोगे कि दोनों क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए अभी लग रहा है ये पॉजिटिव, अभी लग रहा है, तो आप देखोगे चार्ज भी क्या है सेम है, एक कूलाम ये है तो एक कूलाम ही होगा, टू कूलाम है टू कूलाम होगा, समझ गया ना, ये मान लेते कूलाम डिफरेंट है या एक कूलाम है चार कूलाम, ठीक रहिए। तो आप देखना हमने क्या बाहर से फोर्स लगाया, क्या नहीं लगाया ना, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है, मतलब ये जो फोर्स होंगे यानी कि इंटरनल फोर्स क्या होंगे, ये आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये पूरा क्या है, ये पूरा है बेटा, ये पूरा क्या है, ये सिस्टम है, ये क्या है, ये सिस्टम है, ये आप ऐसे ट्रीट कीजिए जैसे मैकेनिज्म आपने ब्लॉक पढ़े होंगे, आपने ये दो तीन ब्लॉक बना दिए, यहां पर देखना ये ब्लॉक बना दिया, इससे ब्लॉक बी बना दिया, ए 5 केजी का है, बी 8 केजी का है, ये ब्लॉक बना दिया और इसको खींचे जाना है आने की 50 न्यूटन से, फाइंड द टेंशन, बताओ यहां पर कितना टेंशन होगा। तो अगर इंडिविजुअल पूछेगा आने इसको अलग पढ़ाई करेंगे, इसकी पढ़ाई अलग करोगे, इसकी अलग करोगे तो निकाल लोगे, लेकिन आप पूरे सिस्टम में देखें कि यहां कितना फोर्स है तो जीरो होगा, क्योंकि जितना इधर लगेगा उतना इधर लगेगा, समझ गया ना ये। तो सिस्टम में क्या होते हैं, पूरे जीरो होते हैं, लेकिन किसी बॉडी को अकेले पढ़ोगे सेपरेट करके पढ़ोगे तो फोर्स वो कैंसिल नहीं होगा, तो यही कहा यहां कॉन्सेप्ट है, समझ गया ना ये। तो ये मैंने आपको यहां पर ये मैकेनिक्स के बेसिस पर आपको समझा दिया मैंने, इसीलिए क्या है यहां पर ये फोर्स बराबर होगी, ठीक है ये। हाँ लिखो लिखो फॉर इक्विलिब्रियम, अगर आपने एक कॉन्सेप्ट सीख लिया तो न्यूमेरिकल रुक जाए तो बताना कि सर इसकी बेस पे हम लोगों न्यूमेरिकल रुक रही है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आया अपना, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन द नेट फोर्स, द नेट, चलो नेट फोर्स, द नेट फोर्स ऑलरेडी बेटा मैंने पूरा लिख दिया, ठीक है हाँ, द नेट फोर्स एक जीरो, नेट फोर्स जीरो होगा तो ये फोर्स बराबर होंगे। आइए देखिए यहां पर क्या दिख रहा है, देखिएगा कितना है ये फोर्स, और ये फोर्स क्या होगा, ये फोर्स बराबर कितना है ये 3 फोर्स होगा। आइए देखिए यहां पर ये देखिए डा ये इसकी जो वैल्यू होगी यानी कि q3 पे फोर्स लग रहा है, इसके वजह से फोर्स लग रहा है, तो हम क्या लेंगे यहां से लेंगे, ठीक है ये हाँ। फिर हम देखना यहां पर जो फोर्स लग रहा है इस पे लग रहा है, तो हम डिस्टेंस ये लेंगे, समझ गए ना ये।
आज देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ जगह मतलब यहाँ लिख देना जी, यहाँ पर देखते क्या हम कहते क्या Q3 फोर्स होते हैं, आने देना फोर्स कितना है 3 1 के 3 पे कितना है, 3 पे कितना आ गया ये 3 1 पे कितना है Q1 और Q3 कितना है ये x दूरी पे, ये देखिएगा Q1 और Q3 ये जो फोर्स लग रहा है इस पे फोर्स इसकी वजह से दूर लग रहा है तो मैं कितनी दूरी पे है Q3 x दूरी पे है तो मैं दूरी ये लिख ली मैंने, ठीक है ये हाँ। इसी प्रकार और लिखना पर नीचे लिखना ये के क्यू और यहां पर कितना आ गया ये 2। अब देखिए बेटा यहां पर दूर देखिए दूरी, ये देखिए यहां पर ये देखना यहां से दो चार्ज Q1 Q2 दूरी कितनी है r दूरी है, आप जो Q3 रखा है वो क्या है यहां से मैंने मान लिया है कि x डिस्टेंस मैंने मान लिया गया, तो अब बताओ यहां से दूरी कितनी होगी r माइनस x डिस्टेंस d होगी। अगर ये 10 सेंटीमीटर यहां की दूरी 10 सेंटीमीटर है दो चार्ज के बीच की, तो अगर मानते यहां से ये रखा है 8 सेंटीमीटर पे तो ये कितना होगा बताइए 2 सेंटीमीटर होगा, अगर रखा है 100 सेंटीमीटर पे और ये रख दिया यहां से 25 सेंटीमीटर पे तो ये कितना होगा 75 सेंटीमीटर, तो इसलिए मैंने मान लिया है r माइनस x मान लिया, ठीक है ये हां, तो इसलिए मैंने क्या निकाला फोर्स निकाला है यानी कि Q3 पे Q2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो आगे दूर है, तो अब हम इसकी और इसके बीच की दूरी लेंगे ये दूरी, ठीक है ये तो ये दूरी माने नीचे लिख दी मैंने, ये दूरी माने क्या लिख दी यहां पर यानी कि r r माइनस x और यहां पर स्क्वायर आ गया, और हम जानते हैं दोनों फोर्स क्या है बराबर है, क्यों क्योंकि इक्विलिब्रियम पे जो नेट फोर्स क्या है वो जीरो होता है, मतलब बाहर से फोर्स नहीं लगाया तो इसलिए इनकी वैल्यू यहां पुट कर दो यहां पर आ जाएगा आंसर, इसकी वैल्यू पुट कर दो यहां पर कितना है ये के Q2 Q3 और r माइनस एक्स दिया गया, और यहां देखना कितना है के Q1 Q3 और कितना है x का स्क्वायर, क्लियर ना, आप देखोगे और पाओगे इसकी वैल्यू कुछ है कि यहां से जो Q3 चार्ज है कैंसिल हो रहा है, के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जीरो हो रहा है सॉरी कैंसिल हो रहा है, समझ गए ये, तो यहां क्या बचा Q2 बचा और यहां Q1 बच गया, ठीक है ये तो आइए फिर देखते हैं पर ये तो यहां क्या बचा यहां बच्चों आ गया Q2 और r माइनस x का स्क्वायर, यहां आ गया Q1 और x का स्क्वायर, क्लियर ना ये हाँ। अब यहां देखना अगर हम इसको हम लोग ऐसे लिखे यहां पर देखना यहां से ये स्क्वायर यहां से हटा लोगे तो यहां पर क्या आएगा हाफ आएगा, हाफ आएगा नहीं आएगा हाफ आएगा यहां पर ये, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं यहां पर ये यानी कि आप लिख सकते हैं एक्स टू इक्वल टू अच्छा एक्स टू नहीं देखिए यहां पर इसको यहां लिखा तो आप देखना Q1 Q2 नीचे आ जाएगा यहां पर ये, अब ये दूरी कहां पर आ जाएगी ये आ जाएगी यहां पर r माइनस और x का ये आ गया, अब देखना यहां का स्क्वायर था यहां स्क्वायर है जब ये स्क्वायर हटेगा तो इन पे क्या आ जाएगा इन पे आ जाएगा रूट आ जाएगा, तो देखना इसके मल्टीप्लाई में ये है Q2 तो माने Q2 नीचे लिख दिया गया है, इसके इक्वल है के वो Q1 है तो यहां लिख दिया, और यहां देखना Q1 के मल्टीप्लाई में क्या है r माइनस x तो माने यहां लिख दिया, तो अब यहां क्या आ जाएगा ये रूट आ जाएगा ये, क्लियर ना, तो आप इस फॉर्म में भी आप निकाल सकते हैं, समझ गए ना ये, और ये डिस्टेंस कहां से ली गई है बच्चों ये डिस्टेंस बता रहा हूं मैं ये ली गई माने ये कहां से लिया है ये Q1 से लिया गया है यानी Q1 से ये लिया गया,
देखना कि पेपर में कहां से पूछेगा डिस्टेंस कौन से चार्ज से है। लेकिन आप यानी कि एक्स क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम क्यू वन चार्ज आ गया ना। हाँ इसमें नहीं आ रहा बेटा, इसको थोड़ा इधर ले देते, ठीक है ये देखना क्यू वन चार्ज यानी कि ये जो डिस्टेंस है कहां से है Q1 चार्ज से। तो अगर यहाँ पर a निकाल लोगे तो ये निकालना नहीं है, अगर 10 सेंटीमीटर है तो जो दूरी होगी उसमें से माइनस कर दोगे दूसरे चार्ज की डिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर भैया? तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन आपको ये मिलेगा पेपर में, ठीक है ये आप इसको भी लिखना, कई बार तो पेपर में आपको यही पूछ लिया गया है। क्लियर भैया? हाँ इस चीज को आइए और देखते हैं हम लोग, फिर से देखते हैं इसको, लोग जल्दी जल्दी देखते हैं इसको कैसे देखना। बेटा दो चार्ज रखे गए हैं Q1 है और Q2 है, तो बोल रहे हैं कि Q3 चार्ज को कहां रखें कि नेट फोर्स जीरो हो जाए, या Q3 चार्ज को कहां रखें कि इक्विलिब्रियम कंडीशन एग्जिस्ट हो जाए, ऐसे बोल सकता है एग्जामिनर, समझ गए ना ये। तो मैंने मान लिया कि Q1 चार्ज से जो Q3 रखा है उसकी दूरी कितनी है x है, कि x दूरी पे यहां क्या फोर्स हो गया, वो नेट फोर्स हो गया बेटा यहां पर आने की जीरो हो गया, क्योंकि ये इसको कैंसिल कर देगा, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है, ठीक है ये। तो अब ये फोर्स Q3 पे Q2 की वजह से फोर्स अबे क्योंकि दोनों कैसे हैं पॉजिटिव हैं तो रिपल लगेगा, Q3 पे Q1 की वजह से फोर्स दोनों कैसे हैं पॉजिटिव हैं तो रिपल लगेगा, ये आ गया। अगर दो चार्ज की भी दूरी r है तो यहां हमने माना है Q1 से Q3 दूरी क्या है x है, तो अब ये कितनी बचेगी r माइनस x बचेगी, तो अब ये फोर्स निकालोगे यहां पर आने की Q3 और Q2 तो यहां की दूरी लोगे Q3 और Q1, ये देखना Q1 है और एक Q3 की वजह से है तो ये लोगे तो ये जो डिस्टेंस लोगे, जैसे ये मान लिया देखना ये तो लिया है Q3 चार्ज और Q1 चार्ज की वजह से है तो डिस्टेंस मैंने ये ले ली मैंने। फिर देखना पर ये क्या है Q3 और Q2 चार्ज की वजह से है तो मैंने ये ले लिया और उनके बीच की दूरी मैंने ये ले ली मैंने, ठीक है ये दोनों को मैंने बराबर किया है और यहां से क्या Q3 चार्ज क्या होगा कैंसिल हो गया और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैंसिल हो गया तो यहां Q2 बचा और यहां Q1 बचा, r माइनस x ये है और x स्क्वायर ये है, अब ये x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में Q2 नीचे आ गया, Q1 के मल्टीप्लाई में r माइनस x है यहां पर आ गया, अब यहां भी स्क्वायर यहां भी स्क्वायर, जब यहां का स्क्वायर हटेगा तो इन पे चढ़ जाएगा रूट, तो मैं रूट ये लगा दिया। आप देखना कई बार पेपर में आपके ये पूछे हुए सवाल है, ठीक है ना ये। हाँ तो इस तरह से एक तो लॉजिक मेरा यहां से प्रूफ हो गया मेरा ये कि जब दोनों चार्ज पे कैसा होना चाहिए सेम नेचर के होना चाहिए, या दोनों पॉजिटिव हो या दोनों कैसे हो नेगेटिव हो। क्लियर नहीं है? तो इस तरह से यहाँ हम लोगों ने इसको सीख लिया, ठीक है ये, ठीक है ये। हाँ तो बाकी अगर यहाँ पर कोई भी चार्ज देगा नेचर वगैरह तो आपको खुद डायरेक्शन निकालना आना चाहिए कि कैसे पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा, ये सब आपको ऐड करना आना चाहिए, ठीक है ये जो मैंने आपको चीजें बता दी गई, ठीक है ये। हाँ आइए तक क्लियर नहीं आई, सेकंड गेस करते हैं हम लोग, क्या सेकंड गेस करना पड़ेगा, सेकंड गेस करते हैं हम लोग बी वाला, बी वाला करते हैं कि इफ लिखना इफ Q1 Q2 लेस देन जीरो, इसका मतलब बताया था मैंने कि दोनों का नेचर कैसा होगा अपोजिट होगा, एक का पॉजिटिव है दूसरे का कैसे होगा नेगेटिव होगा, ठीक है नहीं तो उसको भी लिख लो, लिख लो द नेचर ऑफ बेटा गाना बड़ा रोमांटिक चल रहा है बेटा, लिखने का मन नहीं कर रहा है बेटा, क्या कह रहा है बेटा ना, द नेचर ऑफ बोथ चार्ज इज अपोजिट, मतलब एक ऐसा होगा पॉजिटिव होगा तो एक ऐसा होगा नेगेटिव होगा, ठीक है ना ये। हाँ लिखना इसको,
लिखना फार द, अच्छे चीजों को लिखना, समझ समझ चीजों को, ये अपोजिट को अंडरलाइन करना, क्योंकि कैसे है लेस देन जीरो मतलब क्या है निगेटिव आएगा, जीरो से कोई कम है तो मतलब उसको बोलते हैं निगेटिव बोलते हैं, ठीक है ना, ये जीरो से ज्यादा है मतलब वन भी हो सकता है टू भी हो सकता है, ठीक है ये नोट कीजिए इसको, ये लिखना फॉर द इक्विलिब्रियम, फॉर द अगर ये रूल नहीं लिखोगे तो आप चीज भूल जाओगे कि चार्ज कहां रखें Q3 की, कहां फोर्स नेट जीरो का, आप भूल जाओगे, जब ये पता होगा रूल तो भूलोगे नहीं चीजों को आप, ठीक है ये ऐसा लगेगा कि चीज आपने रख ली है क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके इतने बिल्डअप हो जाएंगे वो, ठीक है ये फॉर द इक्विलिब्रियम थर्ड चार्ज कौन सा बेटा, ये है Q3, थर्ड चार्ज Q3, Q3 is kept on line joining, line joining the दिख रहा सुनना लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज, ठीक है ना, लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज द आइदर साइड ऑफ टू चार्ज यानी कि क्यू वन एंड क्यू टू, ठीक है, यानी क्यू वन और क्यू टू इसमें हम क्या रखेंगे, जो Q3 है उसको बीच में नहीं रखेंगे जो हम लोगों ने बीच में रखा था, इस केस में जब दोनों ये अपोजिट होंगे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो इसको हम जो Q3 होगा उसको बाहर रखेंगे तभी नेट फोर्स जीरो होगा, अंदर जीरो नहीं होगा, ठीक है ना ये, हाँ लेकिन आप फिर लिखना ये द नेचर ऑफ, लिखना द फिर सकते हैं ऐसे लिखो ऐसे लिखो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन द नेट फोर्स विल बी जीरो on each charge, ठीक ना, इसका मतलब ये होता है कि इसमें क्या रखेंगे हम लोग, फिर लिखना बॉक्स में मत करना इसको, ये यानी कि on either side of each charge, यानी जो Q1 Q2 charge है उसके बीच में Q3 नहीं रखेंगे वरना net force zero नहीं होगा, net force zero कैसे होगा जब दोनों के बाहर रखो, चाहे इधर रख दे उनके चाहे इधर रख दे, अभी हम लोग सीखेंगे इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, पर ये जो नेट फोर्स क्या है वो जीरो है प्रत्येक चार्ज पे, किस पे Q1 पे और Q2 पे चाहे Q3 का, ठीक है ना ये, आइए इसको भी हम लोग सीखते हैं, इसको बॉक्स में बंद करना, ठीक है ना ये, हाँ आइए आपको सर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना ये, हाँ देखिएगा इसको क्या, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये ऐसे टफ नहीं है, बस आपको चीजें बेसिक पता होनी चाहिए, देखिए यहां पर क्या है, देखते क्या यहां पर, जैसे मैंने ले लिया क्या है, चलो यही बनाते हैं क्या, यानी कि Q1 है ये और यहां मैंने मान लिया क्या है Q2 है, इसको मैंने मान लिया पॉजिटिव मान लिया इसको और इसको मान लिया नेगेटिव मान लिया, सर आप क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा सर, कभी पॉजिटिव ले रहे हैं दोनों को कभी अपोजिट ले रहे हैं, बेटा ये केस कौन सा है, यानी Q1 Q2 लेस देन जीरो, जीरो का मतलब होता है यानी कि नेगेटिव, समझ गए ये, हाँ जब जीरो से ही कम होगा तो उसको क्या बोलेंगे पॉजिटिव बोलेंगे नहीं बोलेंगे ना, जब पहले जीरो से ही कम है तो उसको नेगेटिव बोलेंगे, इसलिए तो ये कैसे होगा एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना ये, हाँ तो आप देखना जो Q3 चार्ज होगा, Q3 चार्ज हमने कहीं यहां रख दिया क्या, यहां अपना Q3 चार्ज मैंने रख दिया क्या, इसकी वैल्यू मैंने मान ली क्या पॉजिटिव मान ली, मैंने
इतना क्लियर रही है। हाँ, अब मान लेते हैं आप इसको पृथ्वी को यहां भी रख सकते हैं यहां से x डिस्टेंस पे, और चाहे इसको आप यहां भी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है। चाहे यहां रख रखोगे तो यहां से मान लेंगे q1 से x डिस्टेंस पे q3 रखा हुआ है, यहां रख लोगे तो q2 से x डिस्टेंस पे q3 रखा हुआ है, ठीक है ना। ये बस सेम लॉजिक है। मान लेते हैं जो q3 रखा हुआ है वो हमने मान लिया है, यानी कि x डिस्टेंस मैंने मान ली है। इतना क्लियर रही है, और ये के पॉइंट मैंने ये बना दिया, ठीक है ना। ये पूरी कोई एक्सिस हो गई, यानी लाइन ज्वाइन का मतलब होता है, ठीक है ना। ये इस एक्सिस पर रख दिया गया है। अब दो चार्ज q1 q2 रखे हैं, उनके बीच की दूरी मैंने मान ली क्या है, यानी r दूरी के लिए है, क्या है r दूरी ये है, क्लियर। हां, अब यहां से इस वाले चार्ज से इसकी दूरी क्या हो गई, r प्लस x ये हो गई, क्लियर। ये देखिए, मान लेते हैं कि स्टार्टिंग कंडीशन में हमने क्या रखा कि q1 और q2 जो हमने रख दिए वो r दूरी पर रख दिए। अब कोई भाईजान आए और उनने कहा यार तुम कोई चमत्कार करके दिखाओ, तुम तब जाने कि तुम यहां पर नेट फोर्स जीरो कर दो, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दो। तो हमने कहा बेटा आओ बैठो समझाते हैं, इनका नेचर अपोजिट करोगे, चाहे इसको नेगेटिव ले लोगे चाहे इसको पॉजिटिव ले लोगे, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। अब यहां रख दो चार्ज q3, चार्ज यहां रख दो, फोर्स हमेशा जीरो आएगा। बस कंडीशन ये है कि जब ये चार्ज अपोजिट लोगे तो आप बीच में मत रखना ये, क्योंकि बीच में रख दोगे तो जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही तो रिपेल करेगा, लेकिन ये वाला क्या कर लेगा, इसको ये यहां से इसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो इसलिए यहां पर जीरो नहीं होगा, समझ गया ना ये। हाँ, इसलिए हम इसको चाहे यहां रखोगे चाहे यहां रखो, ठीक है ना ये। हाँ, आइए देखते हैं कैसे यहां पर फोर्स निकालते, देखना बहुत ही इंटरेस्ट है और इतना इजी है, बहुत ही इजी है। देखिएगा, हम q3 पे फोर्स निकालते हैं, आप देखिएगा q3 पे फोर्स q2 की वजह से निकालते हैं। आइए देखिए, मैंने फोर्स दिखा दिया, यहां दिखा दी, ये देखिए q3 पे q2 की वजह से, ये दिखा दिया। सर आपने डायरेक्शन इधर ही क्यों लिया, बेटा ये दोनों कैसे हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा, मतलब इसमें और इसमें अट्रैक्शन लगेगा, तो टूवर्ड्स लगेगा, समझ गए ना ये फोर्स। आप देखते हैं कि इसकी वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा है, दोनों क्या है सेम नेचर के हैं, तो लात पड़ेगी, मतलब क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा, तुम जाओ अपनी जगह जाओ, तो यहां से लगेगा रिपल्सन लगेगा। तो इसको मैं कैसे लिखते हैं, q3 पे q1 की वजह से ये लिखते हैं, इतना दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो अब इसका मतलब होता है कि q3 पे q1 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, q3 पे q2 की वजह से फोर्स इधर लगेगा, समझ गया ना ये, वो इसलिए क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा और ये वाला इस पे रिपेल करेगा, इसको तो मैंने इधर लग दिया गया, इतना क्लियर नहीं है। तो आप देखो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पे मैंने बताया था आपको कि बाहर से हम कोई फोर्स नहीं दे रहे हैं, बाहर से सिस्टम को एक्सीलरेट नहीं कर रहे हैं, मतलब क्या है, जो फोर्स हमारे हैं ये बराबर होंगे, मतलब ये कैंसिल हो जाएंगे, क्लियर नहीं है। और इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब ही होता है। तो एग्जामिनर कई बार क्वेश्चंस जेई ने ऐसे पूछे हैं कि फाइंड द फोर्स एट विच पोजीशन दैट द इक्विलिब्रियम आर एग्जिस्ट, वो कह रहा कि फोर्स बताओ कि या डिस्टेंस बता दो हमें कि जहां इक्विलिब्रियम हम प्राप्त कर लें, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर ले, क्लियर नहीं है। हाँ, या सिंपल बोल देगा आपको फाइंड द नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स क्या जीरो है किसी कंडीशन पे, हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम विच चार्ज, या q1 से बोल देगा या q2 से बोल देगा कि डिस्टेंस बताओ, किस डिस्टेंस से फोर्स जीरो होगा, क्लियर नहीं है। तो मैंने मान लिया गया है कि जो q2 से है, q2 से x डिस्टेंस दूर पे क्या हो गया, नेट फोर्स जीरो हो गया, तो यहां क्या होगा, यहां बेटा होगा नेट फोर्स जीरो होगा, क्यों, दोनों लड़के मर जाएंगे, दोनों जानी दुश्मन है। वो कहेगा भैया एक
अनार 100 बीमार, समझ गए ना ये। तो वो कहेगा भाई मेरे को मिल जाए अनार खाने के लिए, वो कहेगा भाई मेरे को अनार मिल जाए, तो ओवरऑल हुआ ये कि दोनों क्या हो गए, खींचा पानी पड़ गए और दोनों क्या कैंसिल हो गए। क्लियर नहीं है तो यहाँ क्या हो गया, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन यहाँ मिल गई। क्लियर ना, तो आप देखना इसकी पढ़ाई करोगे डिस्टेंस तो यहाँ निकाल लोगे आप, इसकी पढ़ाई करोगे तो ये निकाल लोगे। तो आइए देखते हम लोग, देखिएगा हमारा क्या होगा, लिखना फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये सब चीज आपको मैं इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको ये बेसिक चीजें पता हो जाए, बेसिक चीजें नहीं पता होगा तो आप चीजों रटते रहोगे, कहां से क्वेश्चन सॉल्व होगा कहां से नहीं होगा। ठीक है, ये पूरा बेसिक फंडा है चीजों को सॉल्व करने का। ये अब वो आपको चाहे 1000 न्यूमेरिकल दे चाहे 10 दे मैटर नहीं करता है, क्यों, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है आपको, ये पता कि यहाँ क्यों नहीं रखा, क्योंकि यहाँ रख दोगे तो ये तो चार्ज इसको रिपेल करेगा लेकिन ये वाला इसको अट्रैक्ट कर लेगा। अगर मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ बीच में कहीं पर भी नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, इसलिए मैंने आयतर करके लिखवाया था, मैंने समझ गया ना ये। हाँ, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स जीरो होगा। क्लियर ना, हाँ। तो क्या होगा यहाँ फोर्स, फोर्स होगा क्यू थ्री पे क्यू टू की वजह से फोर्स बराबर होगा, किसका फोर्स है, यानी कि Q3 पे बन की वजह से। क्लियर ना ये, हाँ ये बेटा क्या है, ये बराबर है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q2 और यहाँ पर 3 बन, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है ये, और मैग्नीट्यूड क्या है, इनके बराबर है, जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी वैल्यू इसकी होगी। लेकिन अगर आपने बेटा गलती से ऐसे लिख दिया गया, ध्यान देखना ये बहुत से बच्चे क्लास में कंफ्यूज होते हैं, आपने ऐसे लिख दिया और आपने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया और लिख दिया कि सर ये बराबर है, बेटा मैथ वाले तलवार लेके निकल कर आएंगे बेटा, ये आप खुले आम मैथ क्या कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखिए वेक्टर है ना, ये वेक्टर का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो इसलिए ये तो कभी बेटा जिंदगी में हो नहीं सकता, क्यों, आपको दिख रहा है क्या, ये डायरेक्शन सेम है क्या, ये उल्टी है, ये अपोजिट है, समझ गए ना, अगर इसको मानते हैं ईस्ट तो ये वेस्ट हो गई, तो ये तो गलत है ना, ये वैल्यू सही है क्योंकि इसमें केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये क्या असल मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, तो इसलिए आप ऐसे नहीं लिख सकते। मैंने अच्छे को समझा दी चीजों को, ठीक है, और ऑलरेडी आपको ये सारी चीजें पता होंगी क्योंकि ये इतनी नई चीज नहीं है, कोई बेसिक चीजें सब पता होनी चाहिए आपको, ठीक है, देखिएगा इसलिए। तो आप देखना इनकी वैल्यू रखोगे यहाँ पर, यहाँ वैल्यू मैं यही रख देता हूँ, वैल्यू आई देते हैं यहाँ पर, सुनिएगा यहाँ देखिएगा, मानते क्या है मेरे पास, ये वैल्यू है फोर्स की, फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, के कितना है ये 3/1 की वजह से, 3/S की वजह से, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, ये दूरी है कितना है, Q3 Q1 कितनी डिस्टेंस पर है Q1 से, ये Q1 से Q3 R प्लस S डिस्टेंस पे है, R लगा दिया, इसको R लगा दिया, कहानी खत्म। आओ इनकी पढ़ाई करते हैं, F3 पे F2 की वजह से, आप देखिएगा Q3 पे Q2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है कितना है, वो इधर है ना, और दूरी कितनी है इनके बीच की, वो दूरी x दूरी है, तो यहां लिख दिया हमने k लिख दिया, Q3 है और Q2 और बीच लिख दिया x स्क्वायर लिख दिया गया, इतना क्लियर नहीं है, तो यहां से अब ये दोनों बराबर कर दो यहां पर वैल्यू, आइए देखिए इतना क्लियर नहीं है, ये Q3 है Q1 की वजह से, तो इनके बीच की दूरी माने ये रख दी, Q2 अब Q3 की वजह से दूरी माने ये रख दी, माने ठीक है ना ये, हाँ आइए देखिए इनको अब यहां से सॉल्व करते हैं, आइए देखिएगा बहुत ही इंटरेस्ट सवाल है ये, देखिए क्या इसकी वैल्यू यहां रख दो, कितना है 3 वाला है ना ये, K Q3 और कितना है ये
इनटू ईयर दिया है, क्या है एक्स का स्क्वायर। अब ये क्या है के क्यू थ्री क्यू वन और क्या है आर प्लस एक्स का स्क्वायर, क्लियर। अब क्यू थ्री यहां से कैंसिल होगा क्योंकि बताओ क्या क्यू थ्री हमने बदला है, क्या नहीं बदला ना, ये वैल्यू क्या इसकी सेम है ना ये, तो इसलिए बेटा ये वैल्यू क्या होगी यहां से ये कैंसिल होगी, यहां से ये और यहां से ये, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और Q3 ये होगा कैंसिल। तो यहां से आपको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा यहां से Q2 और x का स्क्वायर इक्वल टू Q1 और r प्लस का x का स्क्वायर भी मिलेगा, क्लियर ना। तो ये इस वाले कंडीशन पे क्या होगा, यानी कि नेट फोर्स जीरो होगा। ये क्या है नेट फोर्स जीरो होगा जो यहां से इस डिस्टेंस पे क्या नेट फोर्स जीरो, क्लियर ना ये। तो आइए इसको और भी ले सकते हैं फॉर्म में, एक्स टू इक्वल टू क्या आएगा ये क्यू वन नीचे आ जाएगा क्यू टू ऊपर आएगा, इसमें क्लियर ना ये। हाँ अब यहां देखिएगा क्यू टू के मल्टीप्लाई में क्या है आर प्लस एक्स का ये वैल्यू आ गई। अब यहां लगा दो रूट लगा दो, ठीक है ना ये, तो ये क्या बन गया यहां से ये आ गया आंसर, यहां से आ गया। आप ये भी लिख सकते हैं और आप ये भी लिख सकते हैं एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है क्यू वन है, अच्छा मैंने यहां पर लिया ये, इसको यहां से हटाते हैं ये लिख दिया, ठीक है ना ये गलती से लिख दिया, देखना क्या यहां पर ये एक्स स्क्वायर यहां पर है इसके मल्टीप्लाई में क्यू वन है तो नीचे आ गया ये R प्लस एक्स स्क्वायर कहां पर मल्टीप्लाई में क्यू टू है तो क्यू टू ये लिख दिया गया। अब इसका स्क्वायर हटेगा तो यहां पर पावर हाफ आएगी, हाफ आप इसको ऐसे लिखें या चाहे इसको आप ऐसे रूट लिखें, बात एक ही है, इसका मतलब होता है रूट, क्या होता है रूट, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। और ये डिस्टेंस कहां से है, ये डिस्टेंस है यानी कि क्यू वन से है क्यू टू से, हाँ क्यू टू से डिस्टेंस है क्यू टू से, ठीक नहीं है। तो इतनी दूरी पे क्या होगी यहां पर ये वैल्यू जीरो होगी, लिखना यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम Q2 charge, तो इस पे क्या होगा यहां पर नेट फोर्स जीरो आएगा, क्लियर बताइए। और बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगी यहां पर वो जीरो आएगी, समझे ना, आने की इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी जीरो आएगा। तो मैं आपको कराऊंगा न्यूमेरिकल तब आपको चीजें क्लियर होगा, क्योंकि ये आपका बेसिक क्या फंडा है, बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको ये सॉल्व करने का, ठीक है। तो यहां से अब आपके जो कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम वाला, वो इक्विलिब्रियम वाला सिस्टम यहां से क्या हो गया फिनिश हो गया। तो अब आपका जो कॉन्सेप्ट है यानी कि कूलम्ब्स लॉ का पूरा एप्लीकेशन था, प्रिंसिपल ऑफ पोजिशन उसके बेस पर था, अब वो सिस्टम यहां से क्या हुआ आपका खत्म हो गया, सिर्फ एक केस बचा है यानी सस्टेंड ऑफ चार्ज फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, उसका मैं लेक्चर अलग हम लोग उसको बनाएंगे क्लास लेकर उसको ये। तो हम लोग आइए अब इसी लेक्चर को यहीं बाइंड अप करते हैं वरना लेंथी हो जाएगा, बाकी मिलते हैं हम लोग ढेर सारी उम्मीद के साथ नए मूड में नए लेक्चर में, तब तक के लिए स्टूडेंट अपना ख्याल रखिए, बाय बाय टाटा ओके।